ये मौज मस्ती के लिए उधर गए, ये बेंच बढ़वा के चल नहीं, वो उधर काम के लिए गया था, मनरो खान की तरह गया था उधर नमक दागा था पार्टी में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बिस्मिल्लाह, ये हमारे साथ है जकरिया भाई। अच्छा अभी जकरिया भाई, आप हमको ये पाकिस्तान के टीम के सूरत हाल के बारे में कुछ बताएं। सूरत हाल के बारे में, मैच के टीम के बारे में ये बोलूंगा, ये कम आदमी है मोहम्मद हफीज के बारे में कुछ बताओ। मोहम्मद हफीज चार रन निकली, देखो कॉर्नर देवशाली बीखी से निकालेगा ये और बाहर लेके जाएगा डेरन को, गिराएगा डेरन में, मतलब खाते की तरह। ये साथ में कसम खुदा कि हम लोग मतलब खाली बस पैसा लेता है और बस और पैसा लेता है और काम हम नहीं करते हैं, तो इसको नहीं माना। पहली बार ये है तो अच्छा। कौम के लगा खबर ही सारा। अच्छा दूसरा बात और सरफराज कैप्टन, और एक कैप्टन के बारे में भी कुछ बोलो। सरफराज जो है उसको इमरान खान ने मशवरा भेजा लेकिन फिर भी उसने उसका मशवरा नहीं माना, तो उसके बारे में भी कुछ बताओ। इमरान खान ने ये इमरान खान का मैं दस्तखत करता हूँ कि वो सारे खिलाड़ियों को एक कुएं में डाल के वो मुला के पास लग जाते हैं, बोलते ये तावीज़ दे वो ऐसा कुएं में डालो जिसमें ना पानी हो ना जी कोई कुछ कुछ भी नहीं हो, सारे उस पे कट्टे करके उस पे नीचे डाले, उस पे ट्राली खारा डाले, सारे मतलब मिट्टी डाले उसके ऊपर के, बस ये लोग उसके नीचे सारे को बर्बाद कर दिया, सारा टीम ने इसको बर्बाद कर दिया, सारा पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया उस लोगों ने इसकी वजह से, टीम की वजह से। अच्छा और ये जो दूसरा एक शुएब मलिक के बारे में आपका, उसने सिप पर रन बनाया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने वो शाम को उधर बैठा था, वो पार्टी में बियर पी रहा था, लड़कों के साथ वो टोका मौका कर रहा था और दूसरा बात है शीशा पी रहा था, ये कह रहा था वो ये मौज मस्ती के लिए उधर गए, ये बेंच बढ़वा के चेन्नई, वो उधर काम के लिए गया था, मन रोहान की तरह गया था उधर नमक दागा था पार्क में रोहान की दो तरफ, और वो उधर बियर ये पी रहा था, शीशा पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और सब कुछ भी पी रहा था उधर, बदमागिरी कर रहा था उधर। हमारा तो उधर इमाम अल हक मामूली ले गया, पैसा दे के मामूली ले गया, इमाम अल हक पैसा इमाम अल हक पर रिश्वत लेके आया था, ये कैसा खिलाड़ी है इमरान खान साहब, ये हमारा तो हमको अपील है कि ये कैसा खिलाड़ी है, ये कैसा आदमी है, तुम्हारा बात नहीं मानते ना इसको, वो मैंने जो इसको बोला वो कुएं में डाल दो ना, ऐसा ऐसा काम उसके साथ हो जाए। मतलब ये पूरा टीम के साथ क्या करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है कि इसको निकालना चाहिए या इसको जैसे हम लोग जो है पुल का हार चढ़ाते हैं या ऐसा, तो इसके साथ अभी वापस आएंगे तो इसके साथ क्या करना चाहिए? हार इसको चढ़ाओ ना, वो ऊख वाला वो ऊखे ऊखे नहीं होते, वो सूटे मूटे जो होता है वो हार में निकाल लगा कर कट्टे करके वो एक कुएं में डाल दो, उसके ऊपर एक ट्राली खारा डाल दो और सर को बर्बाद कर दो। सारा तो इधर इंडियन लोग है, हमारा तो सब को देते हुए सब देते हुए कटी सब लगा कर देखे वो इसकी वजह इसने हमारे मतलब इसकी लोगों से हमारा स्तर की सारा खत्म हो गया लोगों की वजह से, मतलब नाक में दम कर रखा है इसने, के नाक के दम करना किया इस लोगों की वजह से। हम सुबह करने में आप लोग तो उधर बैठते हैं, वो अफीज और ये सारा क्या है नाम है उसका मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग तो उधर बस खाली बैठते हैं, अभी घर जाता है बाहर आता है, हमारा इधर तो स्तर की लगाते हैं उन लोगों के साथ, तो हमको तो बहुत शर्म आता है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया हमारे हमारे भाई ने जो मतलब इसके जो जज्बात है कौम के लिए अपने पाकिस्तान के लिए, हाँ काबू काबू मतलब वो बोला है कि मैं काबू से बाहर हूँ अभी, अभी अगर ये लोग मेरे सामने आ जाए तो पता नहीं मैं इसका क्या हाल करूँगा, बहुत गुस्सा है अभी, और ये अभी इसके हाथ में देखो अभी बंदूक मतलब नहीं है लेकिन फिर भी ये देखो उसका स्टाइल मार रहा है, लेकिन बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, बहुत दो दिन से मतलब उसने काना भी नहीं किया, बोलते काना भी नहीं किया, देखो ये इतना जज्बाती है, दो चुंडी ना स्वार, हाँ दो ना, हाँ टेंशन, बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया।